केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। साथ ही कोहरा भी छाने लगा, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगातार दिल्ली की बात की जाए तो अब लोगों का जीना प्रदूषण की वजह से मुहाल हो गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है दिल्ली का AQI लेवल, और इस प्रदूषण के चलते आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते कोहरे की वजह से भी आमजन काफी परेशान है। बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जहां लगातार बढ़ते AQI लेवल की वजह से आम जनता काफी परेशान है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा तकलीफों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। और अब बढ़ती ठंड की वजह से कोहरा भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और उसी को लेकर अब और ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। दिल्ली का AQI लेवल अब गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। पहले के कंपैरेटिवली पॉल्यूशन काफी मतलब दिख रहा है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन उस पर लेकिन हमें जनता को एडवाइस करना पड़ेगा कि आप मास्क पहन के घूमिए, स्पेशली जो सेंसिटिव हैं। हम जैसे सुबह साइकिलिंग के लिए आते हैं तो हाँ, पहले के कंपैरेटिवली हमें फ़र्क दिख रहा है कि अब सांस लेने में थोड़ा है, आराम है, लेकिन मास्क पहनना एडवाइस करना पड़ेगा और सरकार को जल्द से जल्द इस पर काम करना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले आसपास के जितने लोग हैं, काफ़ी इस तरीके के लंग्स के इशू या सांस लेने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी, और जो लोग अभी सांस के दिक्कतों से जूझ रहे हैं उनको ये चीज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत फील होती है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो इवन हम सबको ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास की चीज़ों के साथ। इवन चाहे हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से लेके अपने घर से के कूड़ों से लेके और बाहर के बड़े बड़े चीज़ों तक, कि पेड़ पौधे लगाए, कूड़े कम फैलाने हैं तो जहाँ उसको अपने साफ सुथरा रखे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने छोटे छोटे कामों से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, इसमें साथ चाहिए सबका। दिल्ली में जो पोल्यूशन है, मेरा पर्सनल ये सोचना है, ये जो कहा जाता है मीडिया में कि जी पराली जल रही है पंजाब में या हरियाणा में, तो उसके वजह से पोल्यूशन आ रहा है। लेकिन सर, मेरे रिलेटिव्स पंजाब में भी रहते हैं, चंडीगढ़ में भी रहते हैं, दोस्त मेरे हरियाणा में भी रहते हैं, तो वो कहते हैं भी हमारे यहाँ तो कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर पंजाब से पराली का कुछ धुआं आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, तो वो उस एरिया में भी होना चाहिए। ये तो यानी बहुत ज़्यादा हाइट से आके दिल्ली में ही वो पोल्यूशन फैलाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सारा जो पोल्यूशन है, ये जो है सारा दिल्ली का ही है। दिल्ली में जो ट्रैफिक है, धुआं है, इसी का पोल्यूशन है ये।